हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 203 रीजनिंग का 910 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताना नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से भी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट डिजिट को, उसके बाद मैं मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर 15 की बात की जाए, पहले बस मैं 15 की बात करता हूँ, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है, 5 है, इतना सभी को पता होगा, ठीक है। अगर 17 में यूनिट डिजिट की बात की जाए तो 17 में 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा, इतना आप सभी को पता है। तो अगर 15 × 7 की बात की जाए तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, 15 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा, उसमें 5 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक है और इस तरीके से ही यूनिट डिजिट निकालना चाहिए। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करिए तो कितना आ जाएगा, 5 की 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 35, और अभी भी आपका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता चल गया होगा यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है तो उसमें जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी दे रखी हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करके हम भी यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, 11, 12, 13, 14, 15 अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसमें 11 में 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 5 है। तो हमें सबकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 1 की 2 में करिए, 2 की 3 में करिए, 3 की 4 में करिए और 4 की 5 में करिए, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा उसमें लास्ट वाली यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो 1 की 2 में करेंगे 2 रहेगा, 2 की 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 की 4 में करेंगे 24 और 24 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में आपका 0 यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान है, सभी बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रिक्स जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको पेन पेपर कुछ भी यूज नहीं करना है। नोट करिएगा, 0, 1, 5, 6 किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम वही यूनिट डिजिट होगी जैसे किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है और उसका पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। और उसका ऊपर कितनी भी बड़ी पावर रखी हो, 2 से लेकर कितनी भी बड़ी हजारों में रखी हो पावर, आपको क्या करना है, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 ही होगी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे अभी जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इसी वीडियो में, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाला जो है नंबर 1 हो, ठीक है, और उसके ऊपर कितनी भी बड़ी पावर रखी हो, ठीक है, 2, 3, 4, 5 या हजारों में पावर रखी हो, तो उसकी जो यूनिट डिजिट पूछी जाए तो उसकी यूनिट डिजिट आपकी 1 ही होगी, ठीक है भाई। देखिए अभी मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे यहाँ पे 200 की पावर 2 है, ठीक है, 200 की पावर कुछ भी हो, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 है तो आपको क्या लिखना है, 2 की पावर यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसमें, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे 125 है, मैंने अभी आपको क्या बताया, जिसके एंड में, देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसको, जिसके जिस भी नंबर के एंड में 0, 1 और 5, 6 होगा उसकी यूनिट डिजिट सेम होगी, यानी कि 0, 1, 5 ही रहेगी अगर किसी भी नंबर के एंड में ये आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इन्हें सभी को, ठीक है। 125 है तो इसमें लास्ट वाला नंबर क्या है, 5, और इसकी पावर 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट इसकी 5 ही रहेगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे 111 की पावर 4 है और यूनिट डिजिट पूछा है तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी 1 ही रहेगी, ठीक है भाई। बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 226 का क्यूब आपको दे रखा है, यूनिट डिजिट पूछी है तो इसमें 6 ही आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको, जिसके एंड में 6 भी आएगा वही आप उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप है आपका जिनके जिस नंबर के एंड में 2,
3, 4, 7, 8, 9 यानी कि ऊपर जो मैंने बताया उन नंबर को छोड़ के ये बाकी के आते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मान लीजिए 2 लिया मैंने, 2 की पावर 1 लिया तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिया 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिया 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लिया तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 लिया तो 32 आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पे 2 की पावर जब 1 किया था तो तब भी यूनिट डिजिट 2 थी, और जब 2 की पावर 5 किया तो यूनिट डिजिट 2 आ गया, यानी कि रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की पावर 1 है तो 3 है, 3 की पावर 2 है तो 9 है, 3 की पावर 3 है तो 27 है, 3 की पावर 4 है तो 81 है, 3 की पावर 5 है तो फिर 243 हो जाएगा। इसमें भी आपकी 3 यानी कि यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होगी, या तो आपकी 3 की पावर 1 पे थी और या अब 5 पे जाके रिपीट होना स्टार्ट होगी, फिर आपका बिल्कुल वही सीक्वेंस आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चल गया आपको कि हर चौथे नंबर पे जाके ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक बार और देखूं, इनकी मैं चेक कर रहा हूं अभी, नेक्स्ट 7, 8, 9 की भी आप करेंगे तो बिल्कुल चौथे नंबर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा यूनिट डिजिट। यहां पे 4 की पावर 1 है तो 4 है, 4 की पावर 2 है तो 16 है, 4 की पावर 3 है तो 64 है, 4 की पावर 4 है तो 256 है, और 4 की पावर 5 है तो 124 हो जाएगा, फिर आपका 4 रिपीट हो गया। यानी कि जब 4 की पावर 1 रहेगी तब रिपीट 4 रहेगा, और फिर उसके बाद 4 रहेगा, फिर आपका 66 आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसी सीक्वेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके पीछे लॉजिक यही है कि जिस भी नंबर के एंड में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आएगा तो आपको क्या करना है, 4 से उसको डिवाइड करना है, यानी कि उसकी पावर को। ठीक है, और आपको लिख देना है, यानी कि वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अगर 3 की पावर 1, 2, 3 होगा और उसकी यूनिट डिजिट पूछे तो आप इजीली निकाल लेंगे, उसमें तो कोई हार्ड नहीं है। बट यहाँ पे दिया गया है 3 की पावर 389 है और इसकी यूनिट डिजिट पूछा है, तो अब ये हार्ड हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है। अब क्या करना है आपको, 389 को डिवाइड करना है 4 से। अब बिल्कुल बहुत आसान है, सभी बच्चे डिवाइड करना जानते हैं, तो 389 को 4 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 9 times 36 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 9 उतार लेंगे हम नीचे, फिर यहाँ पे अब ये चला जाएगा कितनी बार, 7 times तो 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इस 1 का मतलब है कि इसको आप सभी को काट दीजिए, 3 की पावर 1 रखिए और इसको या आपका आंसर आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूनिट डिजिट अगर आपको निकालने के लिए दे दी जाए किसी भी नंबर की तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट और कोई भी हार्ड इसमें मेथड या ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। अभी देखिए कितनी लंबी इसकी पावर लिखी है, 9 की पावर लिखी है 4725 और इसकी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 4725 का क्या 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4725 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 से 4 जाएगा ए 1 time, तो यहाँ पे आप 7 उतार लेंगे, फिर ये जाएगा कितनी बार, 1 time तो 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3, फिर यहाँ पे 2 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 times 32 तो नीचे आ जाएगा, फिर हम 5 उतार लेंगे, फिर 4 जाएगा, मतलब आपको सीधा सीधा 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, इसमें भी रिमाइंडर 1 ही बचा है। देखिए जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 4 से ज़्यादा तो नहीं बचेगा क्योंकि फिर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 तक ही बचेगा, 4 से तो अपना कंप्लीट डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1 लिखेंगे तो 9 ही आ जाएगा, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो इस तरीके के, देखिए अब आप नोट कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर आपने नहीं पढ़े होंगे कि यार ये कैसे होगा, अब आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 424 यूनिट। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचे तब क्या करना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 424 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा भाई, 4 से 4 एक बार चला जाएगा, 2 उतारेंगे ये नहीं चलेगा, तो 0 बढ़ाएंगे, 4 फिर उतारेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो पावर 4 ही होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तब क्या होगा, तो तब मतलब ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रिमाइंडर 0 होगा तो आप क्या करेंगे, बस 2 ही आंसर लिख देंगे। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसकी पावर 4 ही लिखनी है, तो 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 में आपकी 6 वाली, आपको लास्ट वाली डिजिट से मतलब होना चाहिए, जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो लास्ट वाली डिजिट को देखिए और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी,
6 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर यूनिट डिजिट का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे। अभी मैं आपको देता हूँ ये 4-5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन है इसका, ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार वीडियो को रोक करके विद इन सेकंड इनको ट्राई करिए और इन पांचों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ 6 वाले, वैसे तो मैंने आपको घर के लिए दिया था बट मैं फिर सोचा एक बार करा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए। यहाँ पे अगर इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ पे लिखा है 2467 की पावर 153, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपका 8441 की पावर 76, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दे दीजिए और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस साइड का अगर हम देखें यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या है 1, तो मैंने क्या बताया किसी भी कोई भी लंबी से लंबी डिजिट लिखी हो उसके लास्ट में 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी हो तो आपको क्या लिखना है, उसकी पावर वो ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये यूनिट डिजिट 1 ही आ गई, सीधा सीधा हो गया, ये तो हमारा खत्म, ये तो इसका तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। अब इस साइड में आते हैं, इस साइड में क्या लिखा है 7, तो 7 आते हैं तो पावर को हमें क्या करना है 4 से भाग करना है, तो 153 को 4 से भाग करिए तो कितना जाएगा भाई, 1 टाइम चला जाएगा, ये सॉरी 12 टाइम चला जाएगा 3 बार, ठीक है, फिर हम 3 बचेगा तो 3 और उतार लेंगे, फिर ये जाएगा आपका 8 टाइम 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 7 की पावर यहाँ पे 1 आ गई है, तो ये 7 की पावर 1 होगी तो आप यहाँ पे 7 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा सा आपका क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका होता 6, ठीक है, तो 6 की हम 7 में मल्टीप्लाई करते तो बड़ी आ जाता आपका, तो आपका आता 42 में आपका कौन सी यूनिट डिजिट हो जाती है 2, तो आपका राइट आंसर 2 होता। तो इस तरीके से आपको देखना है, देखिए मल्टीप्लाई कुछ भी करिए, जब भी उसमें जो नंबर निकल के आता है 42 कुछ भी आए, आपको लास्ट वाला नंबर देखना है, बस कुछ नहीं देखना है। यूनिट डिजिट बहुत ईजी चैप्टर होता है, कई बच्चों ने डिमांड की थी इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी से मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और इन पाँचों क्वेश्चन का आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार करा देने चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका पहला ही क्वेश्चन है ये, एक आयत यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ आपको दे रखी है, तथा इसकी विकर्ण की लंबाई आपको 17 सेंटीमीटर दे दी, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको ब्रेथ नहीं दी है भाई, क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, सीधा सीधा कोई हार्ड नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो आप कर लेंगे बट यहाँ पे आपको ब्रेथ पहले निकालनी पड़ेगी। तो आपको सभी को पता है ये क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इसमें आपको ये दे रखी है विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी कि डायगोनल आपका 17 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इसका 15 का स्क्वायर और यहाँ पे ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सभी को पता है इस चीज़ का। तो इसको निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे हम, बी का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, बी का स्क्वायर और यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बी स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 64 पे हम लगा देंगे रूट, तो यहाँ पे बी बराबर कितना आ जाएगा 64 रूट आ जाएगा, और रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी की आपका आ जाएगा ये 64 का रूट क्या होता है 8 का रूट होता है ना, तो बी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपको निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है तो 15 × 8 कर दीजिए, बस सीधा सीधा 120 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे में क्वेश्चन आपका आया है पहले, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है कि आपको अगर ये साइड दे रखे, ये साइड निकालनी है तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ये वाला होता है, इस ये स्क्वायर बराबर होता है, सभी को पता है, ठीक है। अगर ये वाली नहीं देते, ये वाली दी होती तो तब भी आप इसको निकाल लेते। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है एक आयतकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे भी आपका क्षेत्रफल पूछा गया है, परिमाप अब की बार दे दिया गया है। परिमाप का मतलब क्या है, देखिए चौड़ाई और लंबाई का आपका रेशो भी दे दिया गया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई का आपका रेशो यानी कि 5 हो जाएगा और चौड़ाई का आपका 3 हो जाएगा। तो रेशो दे रखा है यहाँ पे, एग्जैक्ट रेशो आप जानते हैं ना, रेशो कोई भी एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, यानी कि 5 मीटर और 3 मीटर नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेशो है। रेशो का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परिमाप का सबसे पहले देखते हैं, परिमाप हम कैसे निकालते हैं। जब आयत का यानी कि रेक्टेंगल का आप परिमाप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एल प्लस बी यानी कि लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके, सॉरी प्लस करके 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ करके टू की मल्टीप्लाई करनी है, वो किसके हो जाएगा, वो परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कितना दे रखा है, रेशो दे रखा है, तो 5+3 आप करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5+3 में, और ये किसके इक्वल होगा 480 के, तो यहाँ पे 2 से आप 480 को कट कर लेंगे 240 बार, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 240 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 3 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 5 रेशो लिखा है, यहाँ पे 3 रेशो लिखा है, और 1 रेशो बराबर 30 है, तो अब हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल सकते हैं, समझ गए आप, यानी कि हमें 1 रेशो की वैल्यू पता चल गई। अब 5 रेशो और 3 रेशो की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे, तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 5 × 30 करेंगे 150 मीटर आ जाएगा आपकी लेंथ, और 3 × 30 करेंगे, यानी कि 1 बराबर 30 है ना, तो ये आपका 90 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों ही निकल गई है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्षेत्रफल आपका आ जाता है 150 × 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,500 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक आयतकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है हो तो प्लॉट की परिमाप बताओ। अब की बात परिमाप आपसे पूछ लिया गया है, और लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, ठीक है। तो 8:5 में आपका रेशो है, तो 8:5 आपने लिख लिया, इनके बीच की जो डिफरेंस दे रखा है, यदि चौड़ाई और लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी कि इनके रेशो के डिफरेंस के बराबर हमारा ये हो जाएगा, ये 60 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस रेशो के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस रेशो का जो भी डिफरेंस आएगा, तो 8 में से 5 माइनस करिए कितना आएगा 3 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। भाई सीधा सीधा आपकी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा ये, तो इनके बीच का डिफरेंस 3 है, 3 के बराबर 60 हो जाएगा, तो 1 के बराबर 20 हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू आपको 20 पता चल गई, तो 8 और 5 की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई 20 में करिए तो 160 मीटर आ जाएगा लेंथ आपकी, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 20 में करिए तो 100 मीटर आपकी ब्रेथ आ जाएगी। परिमाप पूछा है, मैंने अभी आपको बताया था परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का यानी कि रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकालते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें 2 में। देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप की चारों आपकी ये होती है भुजा होती है, इन सभी का सम होता है, यानी कि इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो साइड एक दूसरे के बराबर होती है रेक्टेंगल में, तो हम क्या करते हैं दोनों की, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड हमें पता चलेगी, तो दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल ही लेते हैं, तो यहाँ पे 160 और 100 आया आपका लेंथ और ब्रेथ, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 260, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 520 मीटर, 520 मीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए आप ये भी चेक कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया था 60, तो इनके बीच का डिफरेंस अभी भी 60 ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में था इतना ही, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको ये कराए हैं सारे के सारे, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। और आज की वीडियो मैंने थोड़ी से कम टाइम में बनाई है, अगर आपको कुछ इसमें कमी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर छोटी मोटी कोई मैंने गलती की होगी या थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मेरी स्पीड ज़्यादा रही होगी तो उसके लिए सॉरी, और मुझे बता दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ी आपकी स्पीड ज़्यादा रही है, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैं आज क्वेश्चन भी कमी लेके आने पड़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ऑपरेट करिए, मैं एक दो दिन में फिर और एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं वो सारे कवर करा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, बस आप मेरा साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप ये PDF से बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप बार बार वीडियो देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बार बार वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, यही मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।